जी बेटा, कोई बात पूछनी है आप मुझसे? किसी ने जाए कोई बात पूछनी है? बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना है आप मुझसे किसी ने? जाए, मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद जाहिद। जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। अच्छा, सोया गए? नो सर। अच्छा, करें शुरू? ये तीन जी सर, सेकंड करें। खत्म करें फिर आज इसको। मैं अच्छा बेटा, आज मिसलिनियस है उसका, जिस कहते हैं डिफरेंट ये मुख्तलिफ बातें, समझ आज बात की। सेक्शन 179 है, इफेक्ट ऑफ द पेनल्टी ऑफ द ऑर्डर, इफेक्ट ऑफ द पेनल्टी ऑफ द ऑर्डर पास अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1957। ठीक है। अच्छा, तो इसमें बेटा 179 में ये लिख दिया कि व्हेन इट हैज बीन मेंशनड अंडर दिस एक्ट दैट ऑर्डर इज फाइनल, दैट ऑर्डर इज फाइनल। तो याद रखिएगा भाईजान, जो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? फाइनल। देयर विल बी नो अपील, देयर विल बी नो अपील अंडर दिस कोड। समझदारी बात की। और याद रखिएगा कि आपको कोई भी, देयर इज नो एनी प्रोविजन व्हिच प्रोहिबिट्स द रिवीजन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिवीजन है उसको कोई भी नहीं मना कर सकता। आपके शक वो उसमें क्या कर दे, आपको कोई ऑर्डर रिवर्स कर दे, उसको मॉडिफाई कर दे या उसको अमेंड कर दे। समझ आ गई बात की? जायद, अगर आपके पास बुक है जरा 179 पढ़ दो, मैं आपको ये एक्सेस देता हूँ। ठीक है, तो आप एक दफ़ा 179 जो है ना जी, 179 एक दफ़ा आप पढ़ दो। जायद आपके पास एक्सेस है, एक दफ़ा 179 तो ये पढ़ ओके सर, ओके सर। Effect of finality of orders. Whatever in this act it is provided that a decision or order shall be final, it shall be deemed to mean that no appeal lies from such decision or order, but nothing herein shall be construed as precluding the Board of Revenue from modifying, reversing, or setting aside any such decision or order under the provision of Section 164. कि जो आपका रिवीजन में वो क्या करता है, कोई रिवर्स करता है या कोई आपका अल्टर करता है, तो उसको आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मना नहीं कर सकते। समझ आ गई बात की? तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है बेटा, अल्लाह आपका भला करे, जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार। ठीक है, कि भाईजान जिन इलाकों में, जिन, बड़ी गौर से बात सुन ली आपकी प्रैक्टिस की है, जिन इलाकों में अगर किसी लॉ ऑफ द लैंड ने ना, किसी कानून ने क्या कर दिया होगा, मना कर दिया होगा कि वहां प्लम्बरदार नहीं होगा। समझ आ गई बात की? जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार इज बैंड और प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ ऑफ द लैंड, तो वहां पे उन इलाकों में इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत लंबरदारी अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। समझ आ गई बात की कि नहीं आई? वैद पढ़ दे इसको, 180 को, 180 जी।
180 restriction on appointment of lumberdar notwithstanding anything continued in this act headman lumberdars shall not be appointed in nor shall rules for their appointment be enforced in or made applicable to any area or part of the province where the law in force immediately before the commencement of this act did not provide for the making of such appointment or rule समझ आ गई बेटा बात की कि जहाँ पे आपके कानून ने क्या किया होगा किसी लंबरदार की अपॉइंटमेंट का रिस्ट्रिक्शन रोका होगा तो वहां पे आप लंबरदार अपॉइंट नहीं कर सकते समझ आ गई भाईजान बात की अच्छा इसके बाद अगली बात बेटा ये है कि व्हेन एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच हैज बीन इनिशिएटेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर एंड कंप्लीटेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर इन गुड फेथ यू हैव नो राइट टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग against such revenue officer ke jab koi revenue officer is kanoon ke tahat koi bhi proceeding initiate karta hai lekin karta good faith mein samajh aati baat ki aapne tamam friends ko sar anjaam de raha hota hai to aap usko challenge nahi kar sakte aap uske khilaf koi bhi legal proceeding ki karwai nahi kar sakte mr rai please read the section 181 ji bar on legal proceeding against revenue officer no suit prosecution ab kya baat aagi bar on legal proceedings against revenue officer yani ki agar aapka revenue officer sahab ke liye padegi no suit prosecution order legal proceeding shall lie against a revenue officer for anything done or ordered to be done in good faith by him as such in pursuance of the provision of this act or of any other law for the time being in force समझ आ गई भाईजान आप रेवेन्यू ऑफिसर साहब जो भी एक पटवारी काम करते हैं पटवारी में पता है मैंने ये किया है आपको फ्राइज को सर अंजाम देते हुए किया और गुड फेथ किया तो आप भाईजान उसको चैलेंज नहीं कर सकते उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होंगी समझ आ गई भाईजान अच्छा 182 है जी अल्लाह आपका भला करे समझ आ गई बात 182 182 power to make the rules ठीक है पहली बात अब लिख लो अब number one fixing the date number amounts in installments पहला यानी कि इन मामलात जो मैं अभी लिखा रहा हूँ आपको समझ आ गई बात की इन मामलात के लिए ये आपका जो है इस एक्ट के तहत ये महकमा क्या कर सकता है लेजिस्लेशन कर सकता है पहली बात क्या फिक्सिंग डेट एंड नंबर ऑफ नंबर यानी कि आपकी जो अकसात होगी जो अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं उनके नंबर उनके टाइम उसका सारा जो स्केड्यूल तैयार करना है वो इसके मुतालिक रूल बना सकते हैं उसके बाद नंबर टू फिक्सिंग द डेट्स ऑन विच द प्रॉफिट्स आर डिविजिबल बाय द लंबरदार्स और अदर्स यानी कि वो एक दिन बता दिया जाएगा कि इस दिन तक आपने ये जो है वो जमा करने ही करने हैं उसके बाद तीसरी बात prescribing the fees charged on the services execution of process by the revenue officer ki jo fees hogi koi cheez aapne execution karwani hai koi order aapne manwana hai aapne kisi ka jo hai jaise hum kehte hain haddari karwani hai to us pe cost ye koi process fees hogi to uska baqaida wo kya karega usko prescribe karega uske baad number 4 hai regulation of the procedures of the records jo yani ki agar aap फीस आपने कोई नकल लेनी है किसी फैसले की ठीक है क्या लेनी है आपने किसी फैसले की नकल लेनी है आप बकायदा उसको एक सवालनामा देंगे सवालनामा दे के आप क्या करेंगे उसकी एक कॉपी ले लेंगे तो इसका जो तरीका होगा वो भी उसको क्या कर सकता है उसको तयन कर सकता है समझ आ गई बात की इसके बाद प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर फॉर द बुक एंट्रीज जो तरीका होगा बुक में एंट्रीज कैसे होगी उसके तरीके के लिए अगर कोई रूल बनाने पड़ेंगे तो ये रूल बना सकते हैं और आखिरी बात के इस एक्ट को गवर्न करने के लिए इस एक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जहाँ कहीं की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कर सकते हैं लेजिस्लेशन कर सकते हैं अपने स्पेशल लोकल लॉज बना रूल बना सकते हैं सेक्टर पर दो और आखिर में वमा मुबीन आप जानो आपका लैंड डेविड में एक्ट जाने दी तो ये हसरत थी कि मैं ख़त्म करूँगा और आदमी ने ख़त्म कर दिया ठीक है ये दफ़ा फायदा नवाने पढ़ रहे हैं तो आप जानो आपका काम जाने और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसको हम इसको एक दफा रिवाइज करेंगे जी बेटा पावर टू मेक रूल्स द ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू विद द प्रोविजन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मे इन एडिशन टू द ऑर्डर अदर रूल्स व्हिच मे बी मेड बाय इट अंडर दिस एक्ट मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट ए फिक्सिंग द नंबर एंड अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स एंड द टाइम्स एंड
place and the manner by at and in which any sum other than rent or land revenue which is payable under this act or of which a record has been made there under is to be paid. B. Fixing the date on which profits are to be divisible by headman or other person by whom they are realized on behalf of co-sharer. C. Prescribing the fees to be charged for the service and execution of processes issued by revenue officers and revenue courts. The mode in which those fees are to be collected, the number of persons to be employed in the service and execution of those processes, and the remuneration and duties of those persons. D. Regulating the procedure in case where persons are entitled to inspect record of revenue officer or records or papers in the custody of village officer, or to obtain copies of the same, and prescribing the fees payable for such and copies. E. Prescribing form for such books, entire statistics and accounts as the Board of Revenue thinks necessary to be kept, made or compiled in revenue officers or submitted to any authority, and generally for carrying out the purpose of this act. जी बेटा, आप ये सब प्रोसेस दे रहा हूँ जी, ठीक है? आप इसे किसी ने कोई बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह आप पूछें। तो मेरी तरफ से आज जो आपका ये सिलेबस था ये हुज्जत तमाम हो चुकी है। अब अक्षय साहब सबके पास है बेटा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछे तो जी बिस्मिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये वाला जो आपने बताया सेक्शन 181 में के उसके लीगल प्रोसीडिंग, सर अगर वो लीगल प्रोसीडिंग करेगा तो उसके खिलाफ क्यों कोई सूट या प्रोसिक्यूशन करेगा अगर प्रोसीडिंग ही उसकी लीगल है? हां तो कोई नहीं करेगा। और अगर वो इलीगल करते तो फिर आप जा सकते हैं। और अगर सर वो लीगल तरीके से नहीं किसी और तरीके से करेगा तो सर फिर वो मेथड उसे फॉलो करना चाहिए, फिर तो हम सूट देनी चाहिए हमें कि वो लीगल तरीका फॉलो करे। तो इधर इससे ये प्रिविलेज क्यों दिया है? प्रिविलेज नहीं दिया, वो गुड फेथ की बात कर रहे सर। गुड फेथ का तो वो तो ठीक है, लेकिन सर वो उसकी इंटेंशंस क्या है ये तो रिजल्ट आने पे पता लगेगा ना। पहले तो नहीं ना हम कह सकते जब वो प्रोसीडिंग कर रहा है। देखो ना, अगर आपके पास आप गरीब नोटरी हैव राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन, ओ भाई सेक्शन 3 है, माइनर पेनल्टीज और मेजर पेनल्टीज पीटर का, ठीक है? एक दफा वो पढ़ लेना, समझ आ गई बात की? याद अच्छा होगा ये सारी बातें को सेक्शन 2 और 3 में, 3 में ये बातें पेनल्टीज पीटर 2005 20 सेक्शन वालों की बात पूछनी है जी। खत्म हो गया जी तो इसमें बेटा सर, अब कल से लेक्चर होगा सर आपका? कल से क्लास कोई मींस के नेक्स्ट वीक से सर? हां तो कर लेंगे इंशाल्लाह, इसके देखेंगे रिवाइज करेंगे। आपको छुट्टी है, आप जो ये एडिशनल हो ना, आप कुछ और पढ़ना तो भाई बता दो, इसके जो है बता दो, इसके सफे गिन गिन के बता दो कि ये है पीछे पढ़ाने के लिए। अच्छा जैद, आपने कितना पढ़ा बेटा? कौन सा सर? ये लैंड रेवेन्यू एक्ट। सर मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा पढ़ा आपके साथ। मेरे साथ से पढ़े, अपनी क्लास में कितना पढ़े? सर हमने तो सर अभी डेफिनेशन से की है बस, उसके बाद क्लास ही नहीं हुई। जी सर हमने तो खत्म कर दी है। चलो सर हमारा तो हो गया, सिलेबस तो कवर हो गया, जो पर्पस था वो तो पूरा हो गया, अब होता रहेगा सर। नहीं भाई जुडिशरी में आया पड़ा है ये बकायदा, आपने देखे नहीं है ये? तो जो ये एक्ट हमने पढ़ा है जुडिशरी में आया पड़ा है, इसका पेपर होना है बकायदा, इसके सवाल आने हैं। देखो और हम इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं इनको, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इसको ले आएंगे हम इंशाल्लाह, अभी जल्दी ले आएंगे। चलो सर एक बार रिवाइज कर लूंगा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ पूरी बुक में से कहीं से तो मेरी बात सुनो बेटा, आप ऐसे करो, अब आप जाओ इसकी ना सीएसएस की वेबसाइट पे, ठीक है? सीएसएस फॉर्म जो ठीक है सर,
उसके लैंग्वेज आके आप इसके क्वेश्चन सर्च करो, समझ आ गई बात की जितने ये बन रहे हैं इस एक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसकी तैयारी कर लेते हैं, समझ आ रही बात की, और साथ इसके ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं सारे ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको कल अगर गैट आता तो गैट भी क्लियर हो जाए, और अगर एडमिशन में जाते तो वहां भी आप उसके बाद जो मेन चीज है बेटा आपकी, अल्लाह आपको भला करे, वो जो है ना अमेंडेड जुवेनाइल वाला, वो भी 2018 वाला एक्ट है, पहले तो 2000 था ना जुवेनाइल ऑर्डिनेंस, अब वो जुवेनाइल एक्ट है, ठीक है 2018 में अमेंड हुआ, हम इंशाल्लाह उसको ले लेते हैं पीपीसी में सर। हां क्रिमिनल लॉ में, ठीक है सर, पीपीसी हो जाएगी, उसके बाद सीएनएसए हो गया आपका, और साथ आपका हो गया ये आपका एक डिविजन का हो जाएगा आपको जो है ये सर, इसमें प्रीएम्पशन एक्ट पढ़ाएंगे आप? प्रीएम्पशन आसान है, प्रीएम्पशन एक लेक्चर में आ जाना, लेकिन प्रीएम्पशन मेरा है नहीं, प्रीएम्पशन यहां पे आपका नहीं है, इसमें स्पेशल मेरा इसमें बहुत डिफरेंट है, मेरा ये दिखा ये मैंने पढ़ा दिया आपको, मांगे भी तीन सेक्शन तो हमें तो छोड़ा तो है नहीं, आपको सजेशन आप बेटा देना चाहते हो, आपको कुछ लगता है जिस में लाभ है सर, लिमिटेशन वाला पढ़ाएंगे आप? सर मैंने भी पढ़ना था लिमिटेशन में बेटा, ये है कि ना लिमिटेशन में वो पहले सीपीसी पढ़ाता हूं, फिर उसमें पहले 20 मिनट सीपीसी, आज चलिए मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स मिल जाएगा जी, ठीक है, लिमिटेशन को मैंने आपको फॉरवर्ड किया था कि नहीं किया था, इंशाल्लाह जिन्होंने जज बन गए ना बेटा, मेरा ये आपको, चलो आप मेरे साथ हो 20 साल हो, मेरा आपके साथ ये वादा है बेटा, अगर जिंदगी रहे ना जिन्होंने जज बनना, जितने स्टैचूज है ना जो मैंने पढ़ाने, ठीक है मैं इंशाल्लाह आपको उनके नोट्स लूंगा, उनके क्वेश्चन बना के दूंगा, ठीक है, जहाँ पे देखो मैं तो ऐसे करता हूँ, अगर एक बंदा बना लो तो दूसरे को फॉरवर्ड करता हूँ, शेयर करता हूँ, इसको चेक करो, उसमें गलतियाँ निकालो, ताकि आप खुद इस चीज़ को अमेंड कर लो, आपका दिल मुतमैन हो जाए, जो लोग बना रहे होते हैं उनको तो ये टेंशन नहीं है, उनको पता था हमने खुद इसको किया है, दोबारा चेक किया, तो इस तरीके से बेटा मैं तो आपको फिर भी समझा रहा हूँ कि मेरे लिए ना पढ़ो, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ो, आप मेरे 20 सेकेंड वाले हैं, ये पता नहीं मेरे सब होंगे नाराज, ठीक है इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देख लो आप इनकी क्लास का हाल देख लो, ठीक है सारे माशाल्लाह, पत्नी आज जो है वो एक किया है, उसका क्या नाम है आजाम साकिब, वो है वो आया नहीं, क्या आया पत्नी, तो सिस्टम जी सर मैं इधर ही हूँ, तो इसमें बाकी सारे ये आए हैं जैसे हमाजी अग्रवाल अटेंडेंस की खातिर सारे होते हैं, होते हैं आपका अल्लाह भला करे, बिल्कुल सर जैसे आपने कहा है वैसे बिल्कुल बेस्ट तरीका है सर, वो क्योंकि देखो गैर आपका जो अंजाम है ना बेटा, वो है आपकी एक सीट जिसका नाम है सिविल जज, जिसके गिर्द आप घूम रहे हो, उसके गिर्द आपने जाने, अल्लाह आपको वहाँ पे पहुँचाए बेटा, मेरी ये दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे सबको, ये नलायक नहीं है, ये खुद अपने आप को ये पीछे हटे में 20 सेकंड वाले अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो ये शायद आपसे भी जहीन हो, लेकिन फर्क ये है मेहनत नहीं करते बेटे, तो अल्लाह इनका भला करे, तो आप एक बेटा बना लो अपना, आज से चीजें ये जो समा रहे हो ना, आज आपको ये चीज पढ़ ली है, सारी जिंदगी फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि आपने इनको जस्ट एक बार रिवाइज करना और आपने अपेयर हो जाना, यही चीजें काम आनी है जो आज आप पढ़ रहे हो, कल आपको रिव्यू बना देना, समझ आ गई बात की, तो ये सर इन चीजों को देख के तो अपना कोई हो तो मेरे लायक हो तो आपने मुझे बताना है बेटा, ठीक है तो मुझे कोई सजेशन आप देना चाहो जी मैं हाजिर, ठीक है बेटा मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा जी, अगर मैंने खींच के लगाई तो इंशाल्लाह ये तो 20 सेकंड है, मुझे लग रहा है ये अटेंडेंस में फारिग सब में फारिग हो जाएगा, तो ये अटेंडेंस है ये मुझे 20 सेकंड वाले मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा, ठीक है जी सर, ठीक है।
अभी 20 मिनट हुए। माफी अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सर देख लो तुम समझो शायद ही सुन नहीं होता साडा नेट दा देख लो सर सी नहर जा के टाइम क्लास ले रहे सर है वो तो तुसी चेक कर सकते हो साडा सर नेट इशू है पेंड आंदे नहीं सिग्नल ते बड़े प्रॉब्लम है सर मेरे पुत ने तो मैं ही लैपटॉप आके दिखावा पे मैं भी इतने को 60 किलोमीटर सफर करके आया बैठा जी तो मैं बैठा पुराना नहीं थाले च पूयो कोई नहीं होंदी सिग्नल उस्ताद जी 4-5 किलोमीटर हकीकत है देख लो नहर तो उस्ताद जी आके सिग्नल सिर्फ वो मसला है लास्ट का कोई ना मसला सर ते मैं भी सुबह आया बैठा इतने दा आवाज दा 60 किलोमीटर करके आया बैठा मैं सुबह 6 बजे उठो है ठीक है हेलो ठीक है सर मैं तो हूं अपनी मजबूरी दसी थानू आके ठीक है ठीक है अच्छा ये 93 का कौन कौन बैठा हुआ है 93 का जी सर 474 ओए 60 मान 470 461 461 के बाद जी सर 46 यस सर 46 सर आपको पहले म्यूट कर दें ओए एक एक करके ला लो यार की हो गया ओए 60 मान के बाद कौन है यार बाकी म्यूट कर दो यार एक ही डाटा बोलिए सर जी सबको म्यूट कर दें एक बंदा आपको देख के तो सारों का रोल नंबर बता देता है तो आप सारे यस सर 61 है 61 के बाद जी 470 सर आवाज नहीं आ रही समझ नहीं लग रही सर सबको म्यूट कर दें अच्छा 64 कौन 64 सर मोहम्मद मानकरम इसके बाद कौन है 64 के बाद 70 हो गया जी सर 470 70 के बाद 79 के बाद 74 74 हो गया जो दिन की लग गई है ना वो छोड़ते जाओ ग्रुप छोड़ते जाओ सर 474 हो गया 76 कौन है सर सर मुजफ्फर जी हाजिर हूँ अच्छा इसके बाद कौन 93 तक कौन कौन बैठा है और सर 89 463 सर 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 482 89 हो गया चले जाओ बिलाल शाह जी आप ग्रुप छोड़ दो 89 हो गया ओके सर बिलाल शाह म्यूट कर दे यार सर 482 सर 482 कौन है सर हेलो 482 अहमद सही म्यूट कर दो अपना सर 482 सर हां अहमद हो गई अपनी आदि म्यूट कर अपना अहमद इसके बाद 82 के बाद सर 482 हो गया जी हो गया जी सर जी सर आपने आपको म्यूट कर ले 82 के बाद कौन है ओके सर सर थैंक यू सर 82 के बाद सर 492 हो गया तेरा बंद कर स्पीकर अपना एस का स्पीकर बंद कर अपना ठीक है जी हां उसके बाद सर 501 लगा दे काइंडली कौन जी सर 501 पीछे चल पहले कौन बैठा है 49 524 सर 493 तक और कोई बैठा है 493 तक और है कोई 493 तक सर हो गए सारे हो गए चलो 524 रह गया सर अच्छा इसके बाद है जी सर 501 है नेक्स्ट बिलावल
हो गया नजम होश कर यार। अच्छा चोर साहब, अच्छा भूल कर तू। इसके बाद जी सर 503 हो गया। 503 सर 514 जी सर 503 503 यस सर 534। अच्छा ठीक हो गया, होगी बेटा 514 सर कश्यप सजाद 14 हो गया बेटा। 505 होगी सर। थैंक यू सर। शुक्रिया सर जी। 534 मैसेज भेज रहा ठीक है। ये बंदे कितने हैं? 522 ला दो सर। 534 हो गई है। 22 कौन है? ये क्लास नहीं पड़ी। 522 कौन है? है ही नहीं। 522 कहाँ बैठा? अली में की है ना 522। आप मैं सर जी अली में की हूँ। मैं तो सामने आ सही नहीं रही मैं। आज सामने किधर आया? मैंने देख पाया तो लम्बा दसा फिर मैं। चलो ठीक है। और भी कोई? सर 534 हो गई है बेटा। हसन महमूद हो गई। हसन आप बच गया भाई। बड़ा गया। हाँ जी सर मैं भेजता हूँ। रोल नंबर वाइज भेजनी जी सर। अजान टाइम कितना हुआ भला? सर टाइम 1:40 हुए हैं। ओए इधर मिनट कितने हुए सर? ये मिनट हुए हैं 42 सर जी। कितने मिनट हुए सर? मुझे नहीं इधर टाइम शो हो रहा सर। सर 34 मिनट हो गए सर। 30 हो गए। 34 हो गए। चलो ठीक।